1 जुलाई 2002 रात के ठीक 8:48 पर फ्लाइट 2937 जो बश्किरियन एयरलाइंस का प्रॉपर्टी था वो 60 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स के साथ मॉस्को से बार्सिलोना जाने के लिए टेक ऑफ किया। रात के ठीक 11 बजे ये स्विट्जरलैंड के एरोस्पेस में एंटर किया, जिस एरोस्पेस को एक प्राइवेट स्विस कंपनी स्काई गाइड द्वारा चलाया जा रहा था। स्विट्जरलैंड के उस एरोस्पेस में उस दिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में पीटर नीलसन अकेले ही मौजूद थे और एक साथ दो दो वर्क स्टेशन का जिम्मेदारी संभाल रहे थे, क्योंकि उस दिन पीटर के सारे कॉलिग छुट्टी पर थे। कंट्रोल रूम में पीटर को पहले वर्क स्टेशन के रडार सिस्टम पर एरोस्पेस का ट्रैफिक शो हो रहा था और दूसरे रडार पर लैंड होने वाले प्लेन्स के मॉनिटरिंग हो रही थी। रात के ठीक 11:06 पर जब फ्लाइट 2937 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आसमान में उड़ रहा था, ठीक उसी टाइम फ्लाइट DHL 611 बार्गामो से ब्रसल्स जाने के लिए टेक ऑफ करता है। रात के करीब 11:21 पर DHL फ्लाइट पीटर के एरोस्पेस में एंटर करने के साथ साथ उनसे 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर प्लेन उड़ाने का परमिशन मांगता है। तब उस रूट में 36,000 के एल्टीट्यूड पर दूसरा कोई प्लेन उड़ रहा है या नहीं ये बिना चेक करके ही पीटर ने DHL फ्लाइट को 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ने का परमिशन दे दिया। यानी कि तब फ्लाइट 2937 और DHL फ्लाइट 611 दोनों ही सेम एयरोस्पेस में 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर थे और साउंड के स्पीड से भी तेजी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे से स्विट्जरलैंड के ऊपर टकराने वाले थे। इस हादसे के सिर्फ 43 सेकंड पहले पीटर को इस गंभीर परिस्थितियों के बारे में पता चला और बिना वक्त को गवाए उसने फ्लाइट 2937 के पायलट से कांटेक्ट करके फ्लाइट को तुरंत डिसेंट यानी लो करने का सलाह दिया। फिर पीटर दूसरे वर्क स्टेशन के फ्लाइट्स को लैंडिंग करवाने के प्रोसेस में बिजी हो गए। पीटर के इंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद फ्लाइट 2937 का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम जोर जोर से बजना शुरू हो जाता है और मॉनिटर पर फ्लाइट के एल्टीट्यूड को हाई करने का अलर्ट दिखाई देता है। इसी बीच पायलट्स कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसके बात सुने, पीटर का या फिर ट्रैफिक कोलिजन अवेयरनेस सिस्टम यानी TCAS सिस्टम का। TCAS सिस्टम प्लेन का एक इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है। अगर कोई दो प्लेन आपस में टकराने का संभावनाएं होती है तो ये सिस्टम प्लेन के मॉनिटर पर एक प्लेन को डाउन और दूसरे प्लेन को क्लाइम करने का निर्देश देता है। तभी दोबारा पीटर फ्लाइट 2937 के पायलट से कांटेक्ट करके फिर से उन्हें डिसेंट परफॉर्म करने के लिए कहता है और पायलट्स ने पीटर के बात मानकर प्लेन को डाउन करना शुरू करता है। दूसरी तरफ DHL फ्लाइट का TCAS सिस्टम भी जोर जोर से सिग्नल देता है और मॉनिटर पर फ्लाइट को डिसेंट करने का निर्देश देता है। फिर तुरंत ही DHL फ्लाइट के पायलट्स प्लेन को डाउन करने का प्रोसेस शुरू करता है। अनफॉर्चुनेटली तब दोनों ही प्लेन सेम गति से डिसेंट यानी के लो हो रहे थे, पर पीटर को इस बात का जानकारी नहीं हुआ था। उन्होंने फ्लाइट 2937 को डिसेंट होता देख निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा कि अब आगे कोई खतरा नहीं है। DHL प्लेन के पायलट्स लगातार पीटर से कांटेक्ट करने का प्रयास किया, पर पीटर फ्लाइट 2937 के साथ कांटेक्ट कर रहे थे, इसीलिए DHL फ्लाइट के पायलट्स उनसे कोई संपर्क ही नहीं कर पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, कंट्रोल रूम में पीटर जो रडार सिस्टम का यूज कर रहा था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर विजुअल STCA अलार्म सिस्टम मौजूद ही नहीं था। STCA सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन आने पर या फिर दो प्लेन एक दूसरे के करीब आने पर अलार्म के तौर पर कंट्रोलर को बार बार संकेत देता है। पीटर को मालूम ही नहीं था कि STCA सिस्टम रडार पर मौजूद ही नहीं है। हादसे के 19 सेकंड पहले पीटर फ्लाइट 2937 के पायलट्स को इन्फॉर्म किया कि DHL फ्लाइट उनके राइट साइड से आने वाला है, इसलिए सारे पायलट्स राइट विंडो के तरफ गौर से देख रहे थे। तभी अचानक एक पायलट का ध्यान प्लेन के लेफ्ट साइड पर पड़ा और उन्होंने DHL फ्लाइट को तेजी से उनके तरफ आगे बढ़ते हुए देखा। उस पायलट ने तुरंत ही फ्लाइट को ऊपर ले जाने का पूरा प्रयास किया, पर तब तक DHL फ्लाइट 611 34,890 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाइट 2937 को चीरते हुए आगे निकल गए। इस एक्सीडेंट की वजह से 2937 फ्लाइट 4 हिस्सों में टूट गए। प्लेन के आगे वाला हिस्सा 35,000 फीट से सीधे नीचे जमीन पर जाके टकराया और पीछे का हिस्सा हवा में स्पिन करते हुए जमीन पर गिर गया। इस हादसे में फ्लाइट 2937 के सभी यात्री मारे गए, जिसमें 45 मासूम बच्चे भी शामिल थे। दूसरी तरफ इस खतरनाक एक्सीडेंट की वजह से DHL फ्लाइट का टेल पूरी तरह से टूट गया था।
जिसके कारण प्लेन डिसबैलेंस्ड होकर हवा में स्पिन करने लगा। फिर 2 मिनट तक हवा में स्पिन करने के बाद घटनास्थल से करीब 7 किलोमीटर दूर जमीन पर क्रैश हो गया। खुशकिस्मती से इस प्लेन के सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर बाकी के सभी यात्री सही सलामत थे। फिर भी इस दुर्घटना में कुल 71 लोगों को दर्दनाक मौत सहना पड़ा। इतनी बड़ी इस दुर्घटना के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन था? इस इंसिडेंट के बाद बहुत से इन्वेस्टिगेशन हुआ और सभी ने स्काई गाइड कंपनी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि स्काई गाइड कंपनी के ओर से उस दिन 2-2 वर्कस्टेशन का जिम्मेदारी अकेले पीटर के कंधे पर देना सबसे बड़ा लापरवाही था। यहाँ तक स्काई गाइड कंपनी उस दिन कंट्रोल रूम का मेन रडार इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम को बंद करके रखा था, जिसलिए पीटर को बैकअप सिस्टम के थ्रू काम चलाना पड़ रहा था। पर वहाँ पे भी सबसे जरूरी फीचर इमरजेंसी STCA अलार्म सिस्टम मौजूद ही नहीं था। जब ये 2 प्लेन 1080 किलोमीटर दूरी पर था और बहुत ही तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रहा था, तब जर्मनी के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस सिचुएशन का पता लग गया था कि आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। इसलिए उन्होंने लगातार 11 बार पीटर के कंट्रोल रूम में फोन किया, पर उस दिन स्काई गाइड कंपनी के सभी फोन लाइन अंडर मेंटेनेंस के चलते बंद कर दिया गया था, इसीलिए वो पीटर से कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। तो आपको इस इंसिडेंट के पीछे किसकी गैर जिम्मेदारी नजर आता है? क्या पीटर इस घटना के लिए अकेले ही जिम्मेदार है, या फिर स्काई गाइड कंपनी के लापरवाही इस दुर्घटना के पीछे असली कारण है? इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने और सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप हमारे मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।